आज हम क्या रेसिपी आपके लिए लाए हैं, क्या जूस? ये है वेट लॉस जूस और नाशपाती का जूस। तो इसको आगे फॉलो करें कि स्टेप के हमने किस तरह रेडी करना है। इसको हमने पी के भी दिखाना है आपको कि ये किस तरह रेडी हुआ है। ठीक है, हम दिखाते हैं आपको। लाइक सब्सक्राइब NS फूडी मूडी। इसको पियेंगे भी। माशाल्लाह बहुत यमी है। तो नाशपाती का जूस लाजमी ट्राई की चला के फॉलो करें फुल रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक NS फूडी मोडी। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने जुमान में रखे, आमीन। आज न्यू रेसिपी, शॉर्ट में तो आपने देख ली है कि क्या रेसिपी है। नाशपाती का जूस, वेट लॉस रेसिपी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर आपका मैदा ख़राब है तो नाशपाती का जूस लाजमी पिए, मिल्क शेक बना के पिए या ऐसे खाएं, लेकिन मैदे वालों के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, शुगर वालों के लिए भी और वेट कम करने वाले के लिए भी ये बेस्ट है। तो लाजमी ट्राई कीजिए। आज इसके लिए बिल्कुल सिंपल अज्जा है। इसमें आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं और शहद, होनी। मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नाशपाती लूँगी, लेमन जूस और काला नमक, चाट मसाला। ठीक है, ब्लैक पेपर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। मिंट भी है आपके पास तो वो भी इसमें, और इसमें 2 गिलास तकरीबन छोटे वाले, ये बड़ा मग है। ठीक है, तो ये मेरे भाई का स्पेशल गिलास है, तो इसमें पानी जा रहा है। इस नाशपाती को हम ज़िप करके, ठीक है, आप सबके सामने लाते हैं। ठीक है, कटिंग करके। तो आज की रेसिपी है नाशपाती का जूस, सिंपल इजी रेसिपी, वेट लॉस रेसिपी। खाएंगे आप, ये आप सबके लिए। तो हमने कहा चले आपके साथ, नाशपाती का सीज़न है तो अब जूस हो जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसको हमने कटिंग करके साफ़ करके देखे लेके आते हैं आप सबके सामने, फिर हम जूस बनाते हैं। ठीक है, तो लाजमी ट्राई कीजिए वेट लॉस रेसिपी, नाशपाती का जूस। इसको हम कटिंग करते हैं। नाशपाती कटे होके आ गई है, और ये देखें, ये कैमरे की आंख आपको देख रही है, खतरनाक आंख, जिस तरह लोग बुरे बुरे देखते नहीं है। तो ये मैंने दिखाना था, मैंने कहा ये देखती है, आपको दिखाती हूँ कि ये नाशपाती आपको देख रही है, ख्याल करें। तो ये हमने 1.5 नाशपाती लिए, इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। ये जो खतरनाक खतरनाक है, इसको हमने गार्निशिंग भी करना है। ठीक है, ये 2 अदद हमने नाशपाती ली है, अच्छी तरह धो लेना है। तो ये इस तरह साफ़ कर ली है, और इसके छिलके तो हमने उतारना। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। ले आते हैं जग और ब्लेंडर, जूस बनाते हैं, सिंपल रेसिपी। ये देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जग हम ले आए हैं। ठीक है, ये साइड पे कर देंगे, और जो काला नमक है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, चाट मसाला ऐड कर देंगे, ये कर देंगे साइड पे, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 1/2 गिलास हम पानी ऐड कर देंगे। तो जो 1/2 गिलास पानी रह गया है वो भी ऐड कर देंगे कि इसमें से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, हमें 2 गिलास जूस रेडी करना है। बस जूस हमारा रेडी हो गया। इसको कर देंगे साइड पे, और गिलास लेंगे, इसको करेंगे डिश आउट। तो इसमें क्या है, लेमन जूस भी हम ऐड कर देंगे इसी स्टेज पे। मैं रात को बना रही हूँ, ठीक है, अंधेरा आए तो उसके लिए माजरत, क्या करें अब। एक लेमन जूस इसमें जा रहा है, और इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये जूस रेडी हो गया, इसको करते हैं हम डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गिलास हम ले आए हैं। ठीक है, और जो नाशपाती आपको देख रही थी उससे हमने थोड़ा सा इसको गार्निशिंग कर लिया, और लेमन के साथ। बिल्कुल इजी सिंपल रेसिपी है, वेट लॉस रेसिपी। एक बड़े गिलास है, 2 गिलास रेडी, बहुत जमी टेस्टी बनता है। ठीक है, लाजमी बनाइए हमारी रेसिपी, हमारे अंदाज से, हमारे स्टाइल से बताइए
और किस तरह लगी आपको हमारी आज की सिंपल रेसिपी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरीका वर्ण जरीका फूड एंड ब्लॉग एन एस फूडी मोडी। आप सबका अपना फैमिली चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ और ये जूस लाजमी ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह। अल्लाह पामान। नाशपाती का जूस।